माफ करना मैडम इलाफर, आपको धोखा देकर ये मैं फिरोज का जिक्र लेकर जा रहा हूं। तलाल मुझे अपने पास रख लेगा और उसे मेरे पर यकीन आ जाएगा कि मैं उसका वफादार हूं। मैडम आपको जब ये किताब मिलेगी तो आप बहुत खुश होंगी, खुशी से पागल हो जाएगी कि अचानक चोरी क्यों की। शायद मैंने आपसे बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो पिंकी का सेब किसी की जान नहीं ले सकता। हाँ, जो कोई भी पिंकी के करीब आएगा उसे वो जरूर नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जान वो ले सकता। एक मिनट, आपके कहने का मतलब ये है कि पिंकी के शौहर की जान उस जिन ज्यादा ने ली है? नहीं, अभी मैं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पिंकी के घर में मुझे मावराई मखलूक की मौजूदगी का एहसास हुआ। मगर हम तो यही समझ रहे थे कि वो जिन पिंकी की जिंदगी से चला गया है। इतनी आसानी से कहाँ छोड़कर जाती है ये मखलूक। देखिए शम्स भाई, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर उस जिन ने शाहनवाज का कत्ल इसलिए किया है कि वो पिंकी का शौहर था, तो वो कत्ल तो शादी से पहले भी कर सकता था उसका, इतना इंतज़ार उसने क्यों किया फिर? शम्स भाई सच पूछे तो मुझसे राशिद की हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। पिंकी के यूँ बेवा होने के बाद राशिद अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक कह रही हो। मैं बहुत मांगना चाहता हूँ आपसे, मुझे एक बहुत जरूरी अमल करना है और मेरा वक्त हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज़।